नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभम राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अब आप एबी स्टार न्यूज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एबी स्टार न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एबी स्टार न्यूज एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप हर खबरों से अपडेट रहें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार जारी है। यहां बेखौफ बदमाशों ने एक बीजेपी नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार होते एनकाउंटर के बावजूद बदमाशों में खौफ नहीं है। ताज़ा मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के दासना का है, जहां पर गांव में बोलेरो और स्कूटी पर आए बदमाशों ने बीजेपी नेता पर ताबड़तोड़ फायर कर दिए। बताया जा रहा है कि बीजेपी के स्थानीय मंडल अध्यक्ष बीएस तोमर रॉड के पास अपने स्थानीय कार्यालय पर आए थे। उसी समय कुछ बदमाश बोलेरो और स्कूटी पर आए और उनके गोली चलाने लगे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है और जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। पुलिस रंजिश और अन्य एंगल पर भी जांचों को आगे बढ़ा रही है। अचानक एक जुपिटर स्कूटी आई, वो जैसे पर डे पान खाने बाहर निकलते हैं, जब क्लिनिक बंद करते हैं तो पान का खोखा है उनके सामने, उस पर पान खाते हैं। तो अचानक जैसे आज पान खाने गए वो, तो उसी वक्त तीन बदमाश एक स्कूटी पर सवार होकर अचानक तीन से चार से पाँच गोली उन्हें मार दी। तुरंत वो नीचे गिर गए। तुरंत फिर 100 नंबर पर फ़ोन करा, सूचना गई है। हालांकि उनकी स्कूटी पकड़ ली, जो यहाँ लोग थे, स्कूटी है, लेकिन वो तीनों अभी फरार हैं। आज रात को लगभग 9 बजे 100 नंबर पर कॉल आई थी कि यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं बीएस तोमर, डॉक्टर बीएस तोमर, उनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। जी जी, ये सूचना आई थी तो हम लोगों ने अटेंड किया, तो यही घटनास्थल है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। जी, उनको गोली मार। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने व्यापारी से 15 लाख रुपए की लूट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उन्होंने लूटे हुए 10.5 लाख रुपए और हथियार भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मुरादाबाद के व्यापारी से 15 लाख रुपए की टप्पेबाजी कर लूट कर फरार हुए दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 10.5 लाख रुपए नकद और हथियार भी बरामद किए हैं। तो वहीं तीसरे बदमाश की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। ये पिछली 5 तारीख को थाना कोतवाली क्षेत्र में नए बस अड्डे के पास एक व्यक्ति, जो कि अपने गल्ले के पैसे लेके मुरादाबाद जा रहा था, उसके साथ टप्पेबाजी हुई थी। वहाँ पे खड़े कुछ लोगों ने इसे अपने साथ बाइक पर बैठाया और बोल के कि साथ ही मुरादाबाद जा रहे हैं। बीच रास्ते पे ये बताकर कि आगे चेकिंग हो रही है, और इसके पैसे ले लिए और फिर वहाँ से फरार हो गए थे। इस संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई थी, जिसके क्रम में दो बदमाश पकड़े गए हैं, जिनके पास से लगभग 10.25 लाख रुपये अभी रिकवर हुए हैं। एक और इनका साथी है जो कि इस घटना में शामिल था, वो अभी फरार चल रहा है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। थाना कोतवाली की टीम ने बढ़िया काम करते हुए इन दो बदमाशों को पकड़ा है और इनके पास से पैसे रिकवर किए हैं। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में भी बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार जारी है। यहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को रोका तो उसने पुलिस पर ही फायर कर दिया। बुलंदशहर कोतवाली देहात के जैनपुर गांव के पास पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवक को रोका गया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो वहीं बदमाश का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। बता दें कि बदमाश के पास से चोरी की गई बाइक और 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया है। तो वहीं बहराइच में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। यहां पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 11 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बहराइच जनपद के पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल लूट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए लुटेरों की गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए थे, जिसके बाद थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मुखबिर की सूचना पर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चोरों के पास से 11 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। जनपद बहराइच के नगर क्षेत्र में कुछ दिनों से एक गैंग सक्रिय था, जो राहगीरों से या रिक्शे से जाने वाले लोगों से मोबाइल छिनैती करता था। लगातार इस पर टीमें लगी हुई थी। थाना दरगाह की पुलिस द्वारा आज इस गैंग की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से 6 लोग अरेस्ट हुए हैं जो छिनैती करते थे। साथ ही छिनैती करने के बाद सस्ते दामों पर मोबाइल, जिस मोबाइल शॉप वाले को बेचा जाता था, उसको भी अरेस्टिंग की है। इनके पास से 16 कुल मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिनमें ऑलरेडी 4 जो है मुकदमे से और वादी से कनेक्ट हो गए हैं। बाकी 12 को भी
कनेक्ट किया जा रहा है। जिन वाहनों से ये छिनैती की घटनाएं करते थे उनमें 3 मोटरसाइकिल जो है जब्त की गई हैं। तो वहीं बहराइच के एक खेत में बम पर वार करने के बाद बम का विस्फोट हो गया जिसमें बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए। बहराइच थाना रामगांव अंतर्गत कोनभाली के पास बम के तेज धमाके से बच्चों सहित 5 लोग गंभीर हुए हैं। आपको बता दें कि खेतों में धान की रोपाई चल रही थी और फावड़े से मेड़ पर वार किया गया तो बच्चों ने फावड़े के दूसरे बार से तेज धमाका हुआ जिसके बाद पूरा इलाका दहल गया। आसपास मौजूद बच्चों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बम वहां कहां से आया और आखिर किसने पन्नी में मिट्टी के अंदर बम को छुपा कर रखा, यह एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। फिलहाल बम के अवशेष टुकड़े पुलिस कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वहां पे हम लोग खेत बैठाया गया रहा ना, खेत में जो है निर्धारित है और फड़ुआ काली पन्नी में पता नहीं क्या सामान रखा रहा है उसके ऊपर फड़ुआ मारी, जोर से धमाका हुआ, इतनी जोर धमाका हुआ कि पूरी धरती हाल गई रहा है और 4-5 बच्चे घायल हो गए। उसके बाद में पुलिस वाले आए, फिर जो उन्हें सामान का सब बम बम जो फटा रहा है। जंगली जानवरों को आमतौर पर भगाने के लिए किसानों द्वारा प्राय पटाखों का यूज़ किया जाता है और इसी क्रम में थाना रामगांव में टेपराहा मौजा अंतर्गत खेत में लगे पटाखों को कुछ चूहों द्वारा बिल में खींच लिया जा रहा है और कुछ स्थानीय बच्चे उन चूहों को पकड़ने के लिए डंडे और फावड़े से बिल को खोद के प्रयास कर रहे थे जिससे पटाखा फट गया, जिसमें बैहो सना पुद्दू 59 वर्ष, पंकज सना प्रादेश्याम, दुर्गेश सना प्रादेश्याम को हल्की चोटें आई। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि स्थानीय चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और जिन्हें चोटें आई हैं उनके द्वारा इस संबंध में कोई सूचना जो है थाने स्थाने पर नहीं दिया गया है। मौके पर जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एविस्टार न्यूज पर। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम, रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी राज्यों के मुखिया तक, क्रिकेट के कप्तान से लेकर फिल्मी जगत की हस्तियों तक, किसने लिखी बड़ी बात और उन बातों में क्या है खास, दिखाएंगे आपको ट्वीट टाइम में सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। बात लखीमपुर खीरी की करेंगे जहां के बीजेपी सांसद अजय मिश्र ने सोनभद्र नरसंहार पर प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। सोनभद्र में हुए नरसंहार में प्रियंका के धरने पर सियासी वार करते हुए लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय मिश्र ने कहा है कि पहले भी लोकसभा चुनाव के समय प्रियंका को जोर शोर से प्रचारित किया गया था लेकिन चुनाव परिणाम में उनकी असलियत सबके सामने आ गई थी, यह उनकी राजनीतिक मजबूरी है जिसके लिए यह सब कर रही हैं, हताश निराश लोग हैं, हमारी सरकार घटना के दोषियों पर कार्यवाही कर रही है जिसके तहत 29 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वो धरने पर क्यों बैठी हैं? अब सीधी सी बात है, लोकसभा चुनाव में जनता ने उनको नकार दिया है, बहुत जोर शोर से ढोल तमाशा बजा करके वो आई थी महासचिव बनके, मालूम होता था कांग्रेसियों ने इस तरह से प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था कि मालूम हो रहा था प्रियंका गांधी नहीं कोई प्रधानमंत्री आ गया है सारी सीटें जीत लेंगी,
और उसका परिणाम लोगों ने देखा, जो दो सीटें थी उनके भाई जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो तक चुनाव हार गए। तो वो लोग हताश लोग हैं, निराश लोग हैं। सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार किसी भी हत्या का, जो भी हत्या की घटना हुई है, हम उसको महिमामंडित नहीं करते हैं, हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। अब बात यूपी के चंदौली की करेंगे, जहां सीएम की घुमंतू गोवंश आश्रय योजना का पालन होता नजर आ रहा है। यहां गोवंशों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण कर उनकी देखरेख की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना घुमंतू गोवंश के लिए आश्रय स्थल बनाकर उनकी समुचित देखरेख के लिए जनवरी 2019 में शुरू किया गया था, जिसको सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। सीएम ने आदेश दिया था कि आदेश का पालन शुरू हो गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जिम्मेदार अधिकारी इस आदेश की अवहेलना करना भी शुरू कर दिए। चंदौली में हालात गोवंश आश्रय के तो हैं, लेकिन उनकी देखरेख के लिए यहां कोई नहीं है। जब अधिकारियों से इस बात पर पूछा गया तो उन्होंने एक दूसरे पर दोष लगाते हुए अपना पल्ला झाड़ते दिखे। वहीं जिलों में गोवंश आश्रय स्थल के प्रभारी CDO साहब ने लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन वो खुद जिले के किसी भी गोवंश आश्रय स्थल की हकीकत जानने पर मौके नहीं गए। इसमें वहाँ दो पशुओं को बीमार होने की सूचना मिली है, तो CBO साहब ने अपनी डॉक्टर टीम को भेज दिया है, वो इलाज कर दिए हैं और इस समय स्थिति ठीक है। सर, वो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है और दो दिन से पशु बीमार है, नगर पंचायत का EO भी वहाँ देखने नहीं गया, तो क्या आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? इस पर प्रमुख है जिले की, इसके लिए इस पर EO की जिम्मेदारी हम फिक्स करेंगे, क्यों नहीं गए देखने के लिए वो, या जिसको जिम्मेदारी सौंपे वहाँ का नोडल, वो क्यों नहीं पहुँचा? डॉक्टर पहुँच गए, पुलिस पशु डॉक्टर पहुँच गए हैं और इलाज शुरू हो गया। सारी सुविधाएं तो उपलब्ध करा दी गई हैं, जो है थोड़ा सा वो जो जहाँ पानी लग रहे थे वहाँ पे जो है हमने ईटा और रॉबिस की व्यवस्था भी करा दी है, वो पढ़ रहे हैं सब। जो अभी तक तो वो व्यवस्था नहीं हो पाई है? नहीं, व्यवस्था वहाँ जो है वो ईट और गिट्टी और मिट्टी गिर रहे हैं वहाँ पे, रॉबिस और ईट तो गिर गए हैं और फैलाई जा रही है जेसीबी से, और उसके बाद जो है वो रॉबिस भी जो है वहाँ पे पड़ रहे हैं। बात राजधानी लखनऊ की करेंगे, जहां SSP के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया और वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया। लखनऊ में SSP कलानिधि नैथानी के आदेश पर बावली चौकी इंचार्ज के पास थाना प्रभारी SHO महेश पाल सिंह के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई चालान काटे गए, तो वहीं लोगों को यातायात के नियमों के बारे में भी बताया गया। साथ ही जो लोग बिना हेलमेट के चलते हैं उन्हें हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। और अब बात लखीमपुर खीरी की करेंगे, जहां सामयिक संग्रह कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना शुरू कर दिया है। सामयिक संग्रह अमीन के 3096 रिक्त चल रहे पदों पर सीधी भर्ती ना करके 100% जनपदों में बनी वरिष्ठता सूची के आधार पर विनियमितीकरण की सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सामयिक संग्रह कर्मचारी संघ ने धरना शुरू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने CM को संबोधित इस आशय का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए संघ के लोगों ने स्वीकृत पदों पर सामयिक संग्रह अमीन की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किए जाने की बात कही है। साथ ही साथ 10 से 12 फसली कार्य करने वालों को इससे वंचित न करने की मांग संग्रह अमीन के कर्मचारियों ने शासन से की है। और अब बात गोंडा की करेंगे, जहां DC केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए कहा है कि मायावती अपने भाई पर हुई कार्रवाई के बाद बौखला गई हैं। गोंडा पहुंचे DC केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती के भाई के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसलिए वह बौखलाई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि BJP की केंद्र व प्रदेश सरकार जाति धर्म मजहब अगला पिछला दलित देखकर कार्रवाई नहीं करती, जो अपराध भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती आई है। के भाई के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसलिए बौखलाई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र व प्रदेश सरकार न जाति देख करके, न धर्म देख करके, न अगला पिछला दलित देख करके जो अपराध करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AV Star News।